been fucking hoes and popping pillies, man, I feel just like a rock star. All my brothers got that gas and they always be smoking like a rock star. हेलो गाइस, वेलकम टू द एजेंडा न्यूज़। तो गाइस, आज की न्यूज़ काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आपको मेरा एक पहला वाला वीडियो याद होगा जिसमें मैंने आपको बताया था कि टोनी स्टार और कैप्टन अमेरिका टाइम ट्रेवलिंग करेंगे और ये दो कैरेक्टर ऐसे होंगे जो कि सर्वाइव करेंगे एवेंजर 4 में। बट उससे पहले एक न्यूज़ पता चली है कि को डायरेक्टर ने ये कन्फर्म करा है कि कैप्टन अमेरिका ब्लैक विडो का एक बिग रोल होने वाला है एवेंजर 4 में। आपको क्या लगता है? तो सबसे पहले मेरे मन में ये सवाल आया कि एवेंजर 4 में 5 कैरेक्टर बचे हैं जिसमें कि हमारी ब्लैक विडो, थॉर, हल्क, हॉकआई, टोनी स्टार और कैप्टन, तो इसके बाद भी इनको बड़ा रोल देने का मतलब क्या है? तो अब समझ में आया मेरे, मुझे कुछ लगता है, मेरी कुछ थ्योरियां हैं। तो मुझे लगता है कि शायद कैप्टन अमेरिका टाइम ट्रेवलिंग करने से पहले ब्लैक विडो को छोटा सा एक मिशन दे कि तुम सारे एवेंजर्स को इकट्ठा करो और देन जब तक हम टाइम ट्रेवलिंग करते हैं तो तुम दूसरी टाइम लाइन में जब तक सारे एवेंजर्स को इकट्ठा कर तैयार रखो कौन कौन बसते हैं। तो शायद वो हॉकआई को ढूंढने जाए और सारे एवेंजर्स को असेंबल करे। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और शायद थैनोस जब तक सोच रहा होगा कि शायद मैंने यूनिवर्स को खत्म कर दिया था तो कोई मुझे अब हरा नहीं सकता, बट यहाँ पे टाइमलाइन में पीछे काफी कुछ चेंजेस हो चुका है। बट उससे पहले थैनोस को एवेंजर 4 में तैयार हो जाना चाहिए, उसे हरी सब्जियां खानी चाहिए जिससे कि वो एवेंजर से लड़ने को तैयार रहे। बट मुझे नहीं लगता क्योंकि थॉर भी अब काफी शक्तिशाली हो गया है। तो गाइज, आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और गाइज, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नहीं देख रहे या तो उस पर रेड बेल के हाथ मारो या पैर मारो, सब्सक्राइब करो। बाय बाय, जा रहा हूँ।